ইলেকশনে বিপুল ভোটে জয়ী আম আদমি পার্টি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাই ওনাকে অভিনন্দন জানালেন কামরুদ্দিন মল্লিক ও এতিসামুল হক। ওনারা জানান, রামের নামে উনি ভোট পাননি, নিজের কাজ করে জনতাকে খুশি করেই উনি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। আজ আমারে সাথ সোশ্যাল ওয়ার্কার কামরুদ্দিন মল্লিক সাহেব আমারে সাথ মৌজুদ হ্যাঁ, যো 35 সাল সে সোশ্যাল ওয়ার্ক কর রহে হ্যাঁ, আর আজ উনসে জাননে কি কোশিশ করতে হ্যাঁ, যো দিল্লি মে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কি বহুত বড়ি জিত হুই হ্যায় উস ম্যাটার পে ইনসে বাত করতে হ্যায়। কামরুদ্দিন সাহেব, আপ ক্যা বতানা চাহ রহে হ্যায়? মানে মাননীয় কেজরিওয়াল সাহেব কি দিল্লি মে জিত হুই হ্যায়, ইস জিত কা যো শ্রেয় যাতা হ্যায় ও ইস বাত কে লিয়ে যাতা হ্যায় কি আজ হিন্দুস্তান কে সারে লোক জান চুকে হ্যায় কি ইয়ে বিজেপি আর এস এস সিপ তোড়নে কা কাম কর রহা হ্যায়, আদমি কো দিল তোড় করকে ডিভাইড করকে ও সত্তা পে রহনা চাহতা হ্যায়। লেকিন আব এই চিজ কিতনা দিন আব চলা গিয়া হ্যায়, এক বার দো বার তিন বার, তো ইয়ে লোক ভি থাক চুকে হ্যায় সুন সুন কে, আর কোই ডেভেলপমেন্ট নেই, সিপ আপ কাটনা চাহ রহে হ্যায়, সিপ আপ বাঁটনা চাহ রহে হ্যায়, কিন্তু পব্লিক সমঝ গে আর পব্লিক সমঝ কে উসকো আচ্ছা জবাব इस इलेक्शन में दिल्ली के इलेक्शन में उनको मिला कि इतना मेहनत करते हुए जहां प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर पूरे दिल्ली को इन लोगों ने केजरीवाल का तो उतना ज़्यादा कैंपेन जितना इनका टीवी मीडिया सब इनके कैंपेनिंग में साथ दिए, उसके बावजूद भी इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई। इसकी वजह यही है कि आज के हिंदुस्तान के सेकुलर लोग जो हैं सब एक होकर के और इस आरएसएस और बीजेपी मैंडेट के आदमी लोग उनको उन्होंने शिकस्त देने के लिए ठान लिया। अच्छा, बीजेपी को राम के नाम पर इस बार वोट नहीं मिला और केजरीवाल को काम के नाम पर वोट मिला है, तो इस पर आपका क्या राय है? पब्लिक देखिए, मस्जिद मंदिर के मसले में पब्लिक आम पब्लिक कितना थी, इससे क्या मतलब, तो मसले का हल नहीं ना, आदमी का नौकरी नहीं होगा, रोजी रोजी का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, वहाँ पर केजरीवाल स्कूल बहुत तो नहीं खा, लेकिन जो पुराने स्कूल है उसको इतना डेवलपमेंट किया हुआ, बिजली को फ्री किया है भाई, ज़्यादा नहीं 200 यूनिट फ्री कर, तो आम आदमी को 200 यूनिट का ही ज़रूरत है, उसके लिए उतना ही काफ़ी है, उनका वही दुनिया है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो ज़्यादा यूनिट है वो अपना खर्च करे अपना वो करे, तो इसका मतलब कि सारे दिल्ली वाले लोग इससे फंस लेंगे। लेकिन ये बांटने से इससे क्या मतलब है, देश को तोड़ना, उनका जैसा उन लोग का रवैया हो तो यही लगता है कि बस देश को टुकड़ा टुकड़ा बांट करके और एक तबके को अपने साथ रख करके और अपनी सीट पर गद्दी चलाते रहे, इससे तो पूरा देश का नुकसान है, बहुत ही नुकसान है। इलेक्शन में क्या शाहीन बाग का मुद्दा छाया रहा है? भाड़ी भाड़ी का मेन अमित शाह जो है वो सोच रहे थे कि मेरे पास कोई मुद्दा और रहा नहीं, जो जो मुझे था वो सब मुद्दा इस्तेमाल करें, बाबरी मस्जिद का मुद्दा इस्तेमाल करें, तो अब देखा कि उनके पास शाहीन बाग का एक मुद्दा उसी मुद्दे पर, लेकिन केजरीवाल साहब ने कभी शाहीन बाग का कोई बात ही नहीं दिखाई, बात करने का ऐसा कुछ है ही नहीं उनके, इलेक्शन वो अलग चीज़ है, शाहीन बाग अलग। उन्होंने आपका कहने मतलब है उन्होंने काम इतना किया है कि उनको उस काम से उनको वोट मिला है? आज वहाँ की पब्लिक बोल रही है भाई, वो तो आम जनता बता रही है और देखा भी दी कि आप जितना भी इसमें कितना भी इसमें प्रचार किया, कितना कितने लोग को उतारे उन लोगों ने, लेकिन पब्लिक देख रही है भाई, कुछ बात बोलने से काम तो नहीं चलेगा ना, काम करके देखा तो काम का सिला उनको मिला, और जो भी अभी पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक जाग गई है, पब्लिक समझती है, जो पब्लिक के लिए काम करेगा पब्लिक उसको अपना वोट देगी। तो बंगाल में भी ममता बनर्जी ने 75 यूनिट बिजली को फ्री करने का वादा किया, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंगाल में ये ममता बनर्जी बहुत ही खुददार और समझदार हिम्मत वाली औरत है और ये इसके अंदर कैपेसिटी है चलाने का और ये कर सकती है, करने का इसके पास कैपेसिटी है, ये इनका ये आदत है, ये बहुत जोशीली है, जो सोच रही है वो करके देखा, हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से। ये थे हमारे साथ कमरुद्दीन मल्लिक जी, जो अपनी बात बताएगी केजरीवाल जी ने क्या काम किया है और भी बहुत सारे मुद्दे पे इनसे बात हुआ है। हमारे साथ और एक और शख्सियत है जिनका नाम मोहम्मद एहतिशामुल हक जी, ये वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, आज इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, जो आज केजरीवाल जी इतने भारी मतों से जीते हैं, इस तरह देखिए बहुत आज बहुत मुबारकबाद देंगे उनको कि ये तो ऐतिहासिक जीत है और उन्होंने हैट्रिक किया है, ये भी मुबारकबाद देंगे क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से दिल्ली में जिस हिसाब से काम किए हैं ये उनको ये सराहनीय कदम है और उनको जीतना चाहिए, और बीजेपी समझ लिए कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी जो है आज धराशायी की तरह वो पूरा ख़त्म हो गया, और हम केजरीवाल जी को बहुत मुबारकबाद देंगे कि
कि इतने अच्छे उनका एक्चुअली क्या है, उनका काम दिखा है लोगों। आजकल हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं चलेगी, आजकल जो डेवलपमेंट उन्होंने दिल्ली में जो काम किया है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में एक मिसाल है, और ऐसे लोगों को ही आजकल देश के लोग तमाम पसंद करना चाहते हैं। और कोई भी राजनीति आज के डेट में कोई भी धार्मिक के अनुसार के हिसाब से नहीं चलेगा, और डेवलपमेंट के हिसाब से कोई भी पार्टी कामयाब हो पाएगी। जिनका उनका मुस्तहक थे, उनका हकदार थे केजरीवाल, डे वन से जो मेहनत कर रहे हैं वो उनके वो सराहनीय कदम है। हम उन्हें दिल्ली में मुबारकबाद देंगे 63 सीट लाने पर, और ये बहुत खुशी की बात है। और ये हार अमित शाह मोदी की हुई है, जिन्होंने बहुत ऐसे अल्फाज कहें कि मतलब बयानात के नहीं सकते हैं, कि मैंने यहाँ से ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। एक होम मिनिस्टर होकर के इस तरह का शब्द का उपयोग करना ये बहुत ही दुखद बात है लोगों को। इसलिए उन्होंने ऐसा बटन दबाया कि आज उनकी सरकार के ख्वाब थी, और हमारे जो दिल्ली के जो प्रभारी जो मनोज साहब हैं, उनका कहना है कि तमाम एग्जिट पोल सब धराशायी की तरह ख़त्म हो जाएगी, सब झूठे हैं। आज देखिए, आपने कहा कि हमारी 12 साल, आज भी वो अपने आप को बोल लेते 12:30 बजे तक हमारा रिजल्ट देखिएगा, हमारे हक में होगा। और उन्होंने नया, हम तो बोलना चाहेंगे कि आपने जो सपना देखे थे कि नया कपड़ा पहन के ये करके कि हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो आपके सपना जो है सपना ही बन के रह जाएगा। दिन में ख्वाब मत देखिए, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग भाषण जो है धर्म के अनुसार नहीं चलेगा, डेवलपमेंट के हिसाब से चलेगा, रोज़गार के हिसाब से चलेगा। आज लोगों को रोज़गार दिए, काम दिए, अच्छे तालीम दिए, तभी बिना पर आदमी आगे बढ़ सकेगा। अगला सवाल, तो ये जो शाहीन बाग का जो मुद्दा था, क्या बीजेपी का हार वजह से हुई है या कोई और रीज़न? देखिए, ये तो खैर मुद्दा ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये अच्छे लोगों का पहचान नहीं है। अच्छी पार्टी कोई भी पार्टी धर्म के आधार पर पार्टी करेगा, आजकल पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आजकल कोई भी पार्टी है इसको धर्म का, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं चलेगी। और वो शाहीन बाग में जो हमारी पर्दा नशी माँ बहने हैं, वो अपने संविधान के तहत अपने हुकूक के दायरे में रह करके वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि आपने एक कम्युनिटी को अलग किया है, उसको शामिल कीजिए या फिर आप एनआरसी वापस। लास्ट सवाल ये है मेरा, क्या ममता बनर्जी केजरीवाल जी के पास जाकर उनको बधाई वहाँ पेश करने की कोशिश करें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। दीदी ने हमारे समर्थन उनको पहले किए, हम तमाम लोगों को मने जानिब से दीदी ने कही क्या है, आप केजरीवाल का आप समर्थन कीजिए, और हमारी नेत्री बिल्कुल उनके साथ में है, हर टाइम उनके साथ में है। और हम अपने पार्टी के, हम अपने मेंबर की ओर से भी हम आज मुबारकबाद देंगे केजरीवाल जी को कि आपने आज आपका साथ जो दिया है, आपके काम के आधार पर लोगों ने आपको चुना है, आप उसी तरह से दिल्ली, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार भी बीजेपी को पछाड़ेगी, और वहाँ यहाँ के बारे में जो सपना देखा है किसका, वो भी सपना जो है चूर चूर हो जाएगा। इनका जो मतलब जिस तरह से ख्वाब लोग देखते हैं कि रेत में घर बनाना, उसी के जैसा इनका हर जगह होगा, और भारत के तमाम लोग इनको हर जगह पूरे हिंदुस्तान से नकारेंगे। और आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बड़ी मुक्की खानी होगी, इसलिए कि देश के तमाम वर्ग के लोग आपकी राजनीति को समझ गए हैं, आपकी पॉलिटिक्स को समझ गए हैं, इसलिए ये राजनीति आपकी नहीं चलेगी। आपने कहा 15 लाख रुपया हर एक नागरिक को आएगा, आपने नहीं आया। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, आपने वो नहीं किया। आपने कहा सबका विश्वास तो किया ही नहीं। आपने कहा हम मेगा सिटी करेंगे, आप तरह तरह के प्रोग्राम का बात करते हैं लेकिन आप अपने मामलों में खड़े नहीं उतरे हैं। इसलिए पब्लिक आज जो है, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, आज देखिए रोड में जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे नौजवान हैं, हमारी पर्दा नशी माँ बहने हैं, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, सब देखिए एजुकेटेड पर्सन है। इसलिए आज के दौर में ये सब राजनीति नहीं चलेगी, ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति मेनली तो बंद कर देनी होगी। हम बीजेपी को बोलना चाहते हैं कि ये राजनीति आप छोड़ दिए, नहीं तो आपके क्या होगा कि आप कहीं पर भी जो आपको कोई भी आदमी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक शायरी बोल के अपनी बातें खत्म, एक शायरी बोले तो अपनी बातों को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशिता हमारा, ये सब गुलशिता है। इसलिए हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
बहुत जय मिल करके, जैसे आज से 34 साल पहले हमारे राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत शुक्रिया।